दोस्तों पूरे दुनिया में हर इंसान का बैठने का तरीका अलग होता है, लेकिन आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले कि आप कैसे शारीरिक मुद्रा से आप दूसरे व्यक्ति का व्यक्तिगत पता कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी और पोजीशन ई है। ये पाँचों पोजीशन बैठने का तरीका है और इस बैठने के पोजीशन से आप उस इंसान को पहचान सकते हो। पोजीशन ए, इस तरह के लोग काफ़ी रचनात्मक और करिश्माई व्यक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वैच्छिक होते हैं और कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, जो सही लगता है उसे तुरंत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे कई बार उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है, लेकिन इनका करिश्माई व्यक्तित्व इन्हें हर परेशानी से निकाल ही देता है। इस तरह के लोग ज़िंदगी में काफ़ी जोखिम उठाते हैं और बहुत कुछ नया अनुभव करते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी सामाजिक होते हैं और नए दोस्त में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। इन लोगों का साथ अक्सर काफ़ी अच्छा होता है, जिससे दूसरे लोगों से इनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। पोजीशन नंबर बी, ऐसे बैठने वाले लोगों का दिमाग में महान विचार आना तो कॉमन होता है, ये नए विचारों के धनी होते हैं। अपने बेहतरीन विचारों को दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। इस पोजीशन वाले लोग बहुत ही सहानुभूति रखने वाले होते हैं और जल्दी दूसरे लोगों से घुल मिल जाते हैं। हालांकि कई बार कुछ कारणों से कुछ चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। पोजीशन नंबर सी, ये लोग थोड़े अराजक स्वभाव के होते हैं और बेकार की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्हें बेमतलब परेशानी पैदा करने वाली चीज़ों में उलझने में मज़ा आता है। बिना सोचे समझे बोलने की आदत की वजह से कई बार दूसरे को दुखी कर जाते हैं। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इस पोजीशन वाले लोगों में एकाग्रता की कमी होती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है। रिलेशनशिप में भी ये लोग कुछ अलग होते हैं, जल्दी ही दिलचस्पी ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन लोगों में सब कुछ बुरा ही होता है, ये लोग हर काम को बहुत ही परफेक्शन से करना चाहते हैं। पोजीशन नंबर डी, इस पोजीशन वाले लोग बहुत होशियार होते हैं और बहुत ही समझदारी और गहनता के साथ सोचते हैं। ये हर चीज़ को लेकर बहुत ही पाबंद होते हैं और ये अपने घरों को बहुत ही साफ़ सुथरा रखते हैं, और इनके घरों में आपको हर चीज़ आपको सजाया हुआ और सही ढंग से मिलेगा। इस तरह के लोग थोड़े रिजर्व स्वभाव के होते हैं और अपने बारे में आसानी से दूसरों को सब कुछ नहीं बताते हैं। ये काफ़ी ईमानदार होते हैं और इन्हें ज़्यादातर मस्तीखोर भी पसंद नहीं है। हर काम को लेकर काफ़ी शांत होते हैं और आसानी से अपना नज़रिया नहीं बदल देते हैं। बेकार के लफड़ों में पड़ना तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अक्सर तथ्यहीन मुद्दों से बचने की कोशिश करते हैं। पोजीशन नंबर ई, ये लोग अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी फोकस होते हैं और अपने करियर के प्रति काफ़ी गंभीर होते हैं। इनके लक्ष्य काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्हें आसानी से पूरा करना मुश्किल होता है। ये लोग कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं। अगर उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसे पूरा करने की एड़ी चोटी जोर लगा देते हैं। ये अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ही जागरूक होते हैं। ये लोग बहुत ही पूर्णवादी होते हैं, बहुत ही अधिक चाह रखने इनके स्वभाव में होता है। तो दोस्तों, ये है इंसानों के पांच तरीके बैठने का, जिससे आप पता लगा सकते हो कि वो इंसान का स्वभाव कैसा है। अगर आपका बैठने का पोजीशन क्या है इन पांचों में से, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका स्वभाव कैसा है। और ये वीडियो पूरा 100% राइट है, कोई भी इसमें फेक नहीं है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा पोजीशन है और आपका स्वभाव कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।